हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, आपको मज़ा आएगा। और आप भी ट्राई कर सकते हैं विनीगर चिल्ली कैसे बनाते हैं, यानी कि विनीगर पिकल, और जिसको हम जलापेनो भी बोलते हैं। तो लेट्स सी, वीडियो को पूरा देखें। देख सकते हैं हम कटिंग किस प्रकार से कर रहे हैं। तो आपको भी ऐसी कटिंग करना अगर आप ट्राई करेंगे तो। और मैंने लगभग 3 kg फ्रेश चिल्ली ली हैं और इनको वॉश करके यानी धो के फिर कटिंग कर सकते हैं आप। देख सकते हैं, सबसे पहले आप गैस ऑन करेंगे, फिर एक पतीला जिसको हम हांडी बोलते हैं उसको हम रखेंगे, उसमें 3 लीटर लगभग पानी डालूंगा मैं। ये मैंने 3 लीटर पानी डाल दिया और इसके बाद मैं डालूंगा 1/2 kg शुगर यानी 500 ग्राम शुगर, और इसमें डालूंगा मैं 500 ml विनीगर, इसको हम वाइट विनीगर भी बोल सकते हैं, सिरका, इसको हम अपने हिंदी में बोलते हैं सिरका, सिरका विनीगर। और मैं डाल दूंगा इसमें फ्लेवर के लिए 1 stick सिनेमन एंड बेल लीव्स। आप अगर आप बनाना चाहें, अगर आपके पास नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हैं, डाल भी देंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि फ्लेवर थोड़ा स्पाइस का फ्लेवर आए इसमें। और अभी मैं इसको बॉयल करूँगा, पानी को बराबर उबालूँगा ताकि ये फ्लेवर आए इसमें, अच्छा सा कुक होना चाहिए पानी। और फाइनली मेरा पानी बॉयल हो गया, फिर अभी मैं इसमें चिली ऐड कर दूँगा, लेकिन चिली ऐड करने से पहले आपको गैस को बंद करना है, क्योंकि इसमें डिसकलर हो, कुक नहीं होनी चाहिए चिली, केवल चिली का कलर आना चाहिए, थोड़ा सा इसमें ब्राउन या ब्राउन बोल सकते हैं या डिसकलर, जैसे कि येलोपन थोड़ा आ जाए ना, ये हरा नहीं होना चाहिए। तो मिक्स करें इसको अच्छे से, एंड देख सकते हैं आप अच्छे से मिक्स करके
मैं क्या करूँगा, इसको कम से कम 1 या 2 मिनट के लिए कवर कर दूँगा ताकि चिल्ली का कलर आ जाए, फिर इसको मैं स्ट्रेन करूँगा। इसको 2 मिनट के लिए कवर कर दिया और देख सकते हैं आप, कवर खोलने के बाद ये ऐसा हो गया, इसका कलर ऐसा हो गया, चिल्ली का येलो कलर आ गया इसमें थोड़ा। तो अभी मैं चिल्ली को स्ट्रेन करूँगा, यानी कि पानी से, विनेगर पानी से हटा के इसको मैं कोल्ड करूँगा, यानी सीधा मैं इसको डाल दूँगा फ्रीजर में। ये ठंडा होने के बाद फिर हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे, क्योंकि हम इसको पानी में रखेंगे तो चिल्ली ज़्यादा कुक हो जाएगा, क्योंकि गर्म पानी है ना, तो चिल्ली ज़्यादा कुक नहीं होना चाहिए। और जो ये विनेगर पानी है इसको मैं ठंडा करूँगा, इसको मैं डाल दूँगा फ्रीजर में, लगभग 10-15 मिनट बाद देख सकते हैं आप ये ठंडा हो जाएगा, फिर दोबारा से इसमें मिक्स करना है। तो मेरा हो गया रेडी, अभी क्या हो गया, विनेगर चिल्ली रेडी हो गई, पूरा ठंडा हो गया। अभी इसको आप बॉटल कर सकते हैं, आपके पास बॉटल है तो बॉटल में रख सकते हैं, या फिर कोई भी छोटा सा कंटेनर या किसी भी बर्तन में आप चिल्लर के अंदर रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होएगा, कम से कम 1 महीने चली गई। तो मेरे पास कांच की बोतल थी तो मैंने कांच की बोतल में रख दिया, देख सकते हैं आप। अगर आपको रेसिपी समझ नहीं आई तो फिर कमेंट कर सकते हैं, और किस तरीके से बनाया वो भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता भी सकते हैं सही बना या गलत भी बना। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, और कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट, लव यू ऑल। और नई रेसिपी के लिए आप सब्सक्राइबर करें, फिर आपको अपडेट्स आती रहेगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड